आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो 8 सालों से बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड के सागमल में स्कूल में ही रहकर बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं। यहां बच्चों की प्रतिमा देख बड़वानी कलेक्टर भी चकित रह गए और सहायक अध्यापक रामचंद्र चौहान की मेहनत लगन देख कर 15 अगस्त पर होम मिनिस्टर के हाथों सम्मान किया। बड़वानी जिले का सबसे आखिरी गांव सागमाल महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। इस दुर्गम क्षेत्र में जाना ही बड़ा कठिन कार्य है। स्कूल भवन भी नहीं है, आंगनवाड़ी भवन में ही प्राथमिक शाला संचालित की जा रही है। सागमाल के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के पढ़ाने के जज्बे और हौसले की कहानी सुनकर दबंग न्यूज की टीम चुनौती भरे सफर पर निकल पड़ी। शिक्षक रामचंद्र चौहान वर्तमान के द्रोणाचार्य हैं, जो अपने घर से दूर रहकर आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा देकर उन्हें भविष्य का अर्जुन बना रहे हैं। इस स्कूल को रामचंद्र की तापस्थली भी कहे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहांजुड़ निवासी रामचंद्र चौहान पिछले 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पाटी बेकराटा के बाद करीब 17 से 18 किलोमीटर का पहाड़ी घुमावदार रास्ता है, जहां भूस्खलन होता ही रहता है, मौसम भी बदलता रहता है, वहीं जंगली जानवरों को खतरा भी बना रहता है। ऐसे स्थान पर रामचंद्र चौहान स्कूल को ही अपना घर बनाकर बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं। इस विद्यालय में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को नापने के लिए जब रिपोर्टर ने सवाल जवाब किए तो छात्रों ने बेझिझक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर सुनाई, साथ ही अंग्रेजी शब्दों के अर्थ बता दिए। गणित के हजारों के अंकों को भी तत्काल बता दिया। विधानसभा चुनाव के चलते मतदान स्थल निरीक्षण के चलते कलेक्टर इस विद्यालय पर पहुंचे थे और संपन्न से अभिभूत होकर शिक्षण रामचंद्र चौहान का जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री के हाथों सम्मान भी करवाया। लेकिन विद्यालय आज भी कलेक्टर से अपनी दशा बदलवाने की राह तक रहा है। 5,12,86 यहाँ पे जिले से कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने बच्चों का स्तर देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित किया गया। यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, स्कूल में मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ एक अतिथि शिक्षक है श्री मुन्ना नरगावे। नहीं, यहाँ आप अकेले यहीं निवास करते हैं क्या? हाँ, स्कूल में ही निवास करते। क्यों करते हैं यहाँ पर? सर, यहाँ आने जाने के लिए जो रास्ता है बहुत ही खराब है, तो प्रतिदिन बोकराटा यहाँ से 20 किलोमीटर जो दूर है वहाँ निवास कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ प्रतिदिन स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए मुझे स्कूल में ही रहना पड़ता है। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे 8 साल बीत गए, ये 9वां साल चल रहा है। सर, जब मैं वहाँ बोकराटा से स्कूल प्रतिदिन नहीं आ पाता था तो मेरे मन में हमेशा एक लगता था कि अगर अपन अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं रहने लगूं, जिससे कि मैं इनको प्रतिदिन स्कूल में बुलवा कर पढ़ा सकूं। मैं ये चाहता हूं कि सभी जो भी पालक है ये अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे, क्योंकि शासन की भी यही मंशा है और सर्व शिक्षा अभियान का यही अर्थ है कि सभी बच्चे स्कूल आए और सारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े।